नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। हर रोज आपको हम तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारों से हो या फिर बॉलीवुड की। और भी तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या खास है। सोमालिया की राजधानी में एक आत्मघाती विस्फोट हुआ। बता दें कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक आइसक्रीम शॉप पर एक आत्मघाती विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल शबाब ने ली है। यह हमला अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस्टोफर मिलर के दौरे के कुछ ही घंटे बाद हुआ। क्रिस्टोफर मिलर मोगादिशु में अमेरिकी राजदूत और सैन्य कर्मचारियों से मिलने पहुंचे थे। ईरान से एक बुरी खबर सामने आई है। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहनसिन फकरीजादेह की तेहरान में हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद ईरान और इजराइल में तिल्लीखियां और बढ़ गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने हत्या में इजराइल के शामिल होने के सबूत मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि फकरीजादेह की हत्या में जो शुरुआती जानकारी मिली है, उससे वैज्ञानिक की हत्या में इजराइल के शामिल होने के गंभीर सबूत मिले हैं। अमेरिका की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। जी हां, मुंबई 26/11 हमले के 12 साल बाद अमेरिका ने इसके मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर के बारे में सूचना देने पर $50 लाख यानी कि 37 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। न्याय प्रोग्राम के लिए अमेरिकी अवार्ड्स द्वारा जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान स्थित लश्कर आतंकी साजिद मुंबई आतंकी हमले में वांछित है। इस हमले में भूमिका के लिए मीर के किसी भी देश में सजा या गिरफ्तारी की सूचना देने पर $50 लाख दिया जाएगा। कुछ संदिग्ध उत्तर कोरियाई हैकर्स ने ब्रिटिश दवा कंपनी एक्स्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो व्यक्तियों के मुताबिक उत्तर कोरियाई हैकर्स ने कंपनी के कंप्यूटर नेटवर्क हैक करने की कोशिश की है।